फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम जो कि हमें मिला था। मेरा आवाज आप देख रहे हैं, और तो मैंने ये जो बत्तियां जला दी हैं, और ये है हमारा रूम। और काफी ज्यादा मैस फैला हुआ है क्योंकि हमने जल्दी जल्दी से पैकिंग फ्रेंड्स, की है। ये आपने रूम देख लिया कि कितना मैस फैला हुआ है, क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं सामरा की तरफ, क्योंकि वहां पे हमारे इमामे जमाना की कैबत वाली जगह है वो, और वहाँ पे हमारे 11वें इमाम भी हैं, और इमाम नक्की अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर ही है। हमारे मतलब के 3 इमाम वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर ज्यारत करने जा रहे हैं, और वहाँ पर ही हम जो है काजमीन में एक रात स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद फिर जो है नजफ की तरफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नजफ की तरफ हमारी रवानगी होगी। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, और उससे पहले जो है इमाम दमाना की खिदमत अक्दस में एक हदिया पेश करते हैं। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम, है मेरे इमाम। आप पर दुरूद और सलाम है मेरे इमाम। आ रहे हैं आप, चल रही है ये खबर, खानाए खुदा पे है टिकी हुई नजर, सज रहे हैं रात ते तमाम। ये चुनी मुनी से फ्रिज भी दी हुई थी जो कि चल रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि काफी होटल्स में जो है ये चुनी मुनी से फ्रिज वगैरह नहीं चलती, यहाँ पर चल रही है। एक ये केटल भी थी उन लोगों ने कि हम जो है चाय के बहुत ज्यादा आदी होंगे तो हम चाय पियेंगे, पर इसमें कोई भी स्विच वगैरह नहीं है जो स्विच लगाकर हम पीते। और ये जो है यहाँ के पानी होते हैं, इसमें इस टाइप के पानी होते हैं। या आपने सारा टूर ले लिया ऑलमोस्ट, मैंने आपको सारा टूर रूम का करवा दिया है, और अभी हवाई गाड़ी लेट हो गई थी वहाँ पे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं। अभी हम यहाँ समर आए तो अभी हमने जूते जमा कर लिए और अभी हम अंदर जाएंगे। ابن رسول तो जी ये सामरा में रोज़ा मुबारक है जहाँ पर इमाम हादी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है, और ये इसकी खूबसूरती देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये बना हुआ है रोज़ा। और ये यहाँ पर नीचे गैबत की जगह, यानी बाद पे इमाम की गैबत की जगह, तो अभी हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है,
आ गई अम्मी, आ जाए दिखना, एक रेडी बैठी इधर भी है। ये सरदाब है, यहाँ जाएंगे हम। और तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं। आ रहे हैं आप, चल रही है ये खाने खुदा पे है टिकी हुई नजर, सज रहे हैं रास्ते तमाम ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, आप पर दुरूद और सलाम, ए मेरे इमाम। बस यहाँ पर तफ्तीश निशा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या। तो हम जा रहे हैं, फिर वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये है, मैं आप लोगों को फ्रंट में जाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी है और शॉप्स वगैरह भी खुली हुई है, ये देख सकते हैं पूल। कुछ ये पूरा एरिया बना है मार्केट का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब यहाँ पर है, पीछे देख सकते हैं आप, ये रोज़ा है, ठीक है। और अभी हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मिलते हैं जनाब। यहाँ पर ये अंदर एरिया बना हुआ है, यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना उनकी पूरी हो जाती है। और ख़ास करके जो औलाद होते हैं उनकी मन्नत अक्सर तौर पर यहाँ पर पूरी हो जाती है, और पूरी हो जाती है और जंग पूरी हो जाती है। अच्छा, ये इसका ये वाला एरिया है। और ये जी हम अंदर आ गए हैं, अभी हम दरी में जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे ना। तो और ये एरिया अभी भी बन रहा है पूरा रोज़ा, सही बना नहीं है बट फिर भी काफ़ी हद तक बन चुका है। तो बाद में मिलते हैं आपको। आपको मैं दिखाऊंगा कि हम दिल्ली से जाएंगे ना, आप लोगों को मजा आएगा। आप कहेंगे कि हम जो है ना 1400 साल पहले आ गए, जब लेके जाऊंगा ना हर के लिए क्या दिल्ली है। तो ये हमारा रूम है जो कि काश्मीर में हमें मिला है, और ये इतना सा रूम है।
पिचकू सा रूम है बट अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, और अच्छा लगा हमें। ये सुबह का व्यू जिससे जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बनाई फ्रेंड्स, ये है रोज़ाए जवादैन और ये होटल का व्यू है। होटल से इस तरह से ये नज़र आ रहा था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से मंज़र था। क्योंकि हरम में मोबाइल अलो नहीं था तो हम लेकर भी नहीं गए थे, और आप लोगों को पता है कि एक ही दिन था हमारे पास काजमैन में स्टे करने का। तो माशाल्लाह से हमने अच्छे से ज़्यारत की और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। यहाँ पर जमा करानी है, एक मिनट में कैप्चर। हाँ हाँ, तो ये मुलाक हरम है और यहाँ के दिन का टाइम है। अभी जा रहे हैं बीबी शरीफा के रोजे पर जो कि बिनती इमाम हसन मुश्तफा है। तो यहाँ पर बहुत लोगों की मन्नतें कबूल होती हैं और सब ज़्यारत पर आते हैं, तो हम भी आए हैं यहाँ पर बीबी की ज़्यारत करने और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं, बहुत थक गए। तो ये है बीबी शरीफा का रोज़ा जो कि अभी भी ज़ेर तामीर है, और आए चले और ज़्यारत करते हैं। ये इसका व्यू है सारा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। यहाँ से हम चेकिंग कराएंगे देन हम सीधा अंदर जाएंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं। ये है बीबी शरीफा बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा। चिकना बना रही हूँ, पूरी बनाओगी सही से। मुझको सांसों की नहीं तेज, यहाँ से एंट्रेंस होगी, तो चले चलते हैं और एंट्रेंस करते हैं। तो ये है बीबी की जालियाँ, ये बीबी शरीफ का रोज़ा है। अभी हम वापस जा रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बीबी का रोज़ा बना हुआ, अभी भी बन रहा है। तो अभी हम जाते हैं और फिर मिलते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और बाहर ये इस तरीके से बनी हुई है,
ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुआँ है, इसे स्किन सही होती है। ये हज़रत ज़ैन बिन ज़ैन अल-आबिदीन के रोज़े पर, और यहाँ से ज़ियारत करते हैं और फिर सीधा चले जाएंगे नजफ़। ये देखो कसलन माल है नारजियन यहाँ से हम चेकिंग करेंगे फिर अंदर जाएंगे। हाज़रीन ये रोज़ा है हज़रत ज़ैद बिन शहीद, तो ये हम यहाँ पर आ गए हैं और अलैहिस्सलाम। तो ये उनका माशाल्लाह से रोज़ा बहुत ज़बरदस्त बड़ा बना हुआ है। तो ज़ैद आपकी फ्रेंड्स, हम यहाँ नजफ में पहुँच गए हैं और हरम जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज का बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र था, बहुत ज़्यादा ज़्यादतें भी की हमने। तो देख सकते हैं ये नजफ अशरफ में हम पहुँच गए हैं। तो ये रहा हमारा रूम 509, ठीक है। उसमें लगाएंगे हम चाबी। आई होप के रूम के कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम। लाइट ही नहीं है। ये रहा, अच्छा। तो ये है रूम हमारा, ठीक है। और ये रहे हम, और ये रहा टीवी, एसी, कर्टेन, दो चेयर, अलमारी और एक बड़ा सा फोटो।